जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी से अपने सोलो ट्रिप गिरनार पर्वत जो कि जूनागढ़ गुजरात में आया हुआ है उसकी वीडियो शेयर कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ गिरनार पर्वत की ट्रैकिंग पे। बहुत सारी बातें करेंगे रास्ते में, गिरनार के बारे में जानेंगे, पूरा इतिहास जानेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों ये पूरा एक बजट टूर होने वाला है, इसमें कम से कम पैसों में हम कैसे गिरनार पर्वत घूम के आ सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपने घर से जो है ऑटो रिक्शा लेके वेरावल की तरफ निकल गया था। ऑटो रिक्शा मैक्सिमम 30-40 रुपए लगते हैं मेरे घर से। तो रिक्शे का मज़ा भी बहुत अलग होता है वेरावल से। उसके बाद में मैंने जो है बस, वहाँ से मैं जैसे ही पहुँचा वहीं पर बस अवेलेबल थी। मुझे वेरावल से जूनागढ़ के अब 120 रुपए लगे थे। एसी बस थी एंड 2 घंटे का रास्ता था। पूरी बस खाली थी जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत कम लोग बैठे हुए थे। रात अप्रोक्सीमेट में 8-9 बजे जो है जूनागढ़ पहुंच गया था। उसके बाद मैंने वहां से रिक्शा लिया। तो दोस्तों जूनागढ़ बस स्टेशन से आपको जो है भवनाथ जाने के लिए रिक्शा मिल जाएंगे, 30-40 रुपये लगेंगे वहीं से लोकल रिक्शा। ये वही भवनाथ मंदिर है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा आगे वीडियो में। एंड यही वो मिर्गी कुंड है। तो इसके बाद में यहाँ पे दर्शन करने के बाद में मैं चल निकला अपना रूम ढूंढने के लिए, जो कि मुझे रात को रुकने के लिए चाहिए था क्योंकि रात में गिरनार चढ़ नहीं सकते हैं। बहुत सारे धर्मशालाज हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक रूम रखा, अभी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा। 300 रुपीस चार्ज किए थे मैंने। अप्रोक्सीमेट 11:30 बजे मैंने रूम रखा था, 6 बजे में चल दिया था। तो देखिए ये रूम का वीडियो। तो दोस्तों ये मैंने जो है धर्मशाला के वहीं पे रूम लिया हुआ था, गिरनार के बाजू में। वहाँ पे जो है मेन मंदिर आ गया है, ये सारे धर्मशाला हैं। आपको रूम बता देता हूँ। ये देखिए ये बेसिक सा रूम है, मतलब रहने के लिए ठीक है यार। मतलब मुझे ना एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि सिंगल लोग के लिए कोई रूम ही नहीं दे रहा था मेरे को, कि ऐसा बोल रहे थे कि या तो आप फैमिली के साथ हो तभी आपको रूम मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा। सो रूम मेरे को जो है अप्रोक्सीमेट 11 बजे मिला था। एंड उसके बाद जो है मैंने शुरू किया, अभी जस्ट 6 बजे उठा हूँ मैं सुबह के, 4 बजे जाना था बट पता नहीं आलस की वजह से मैं 6 बजे उठा। एंड नाउ अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश ना, बाथरूम वगैरह ठीक है दोस्तों यहाँ पे ना, एक्चुअली रूम कुछ खास है नहीं बट रहना पड़ा मुझे। तो ये मुझे अप्रोक्सीमेटली ये मेरे को रूम जो है मुझे पड़ा है 300 रुपये का इन लोगों ने दिया है। मैं रात को 11 बजे आया था, 6 बजे खाली कर रहा हूँ। बेसिक सा रूम है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर फैमिली के साथ में हो तो यू विल गेट बेटर धर्मशाला, बट अगर आप अकेले आ रहे हैं तो थोड़ा सा प्लान करके आइए। देखो हाँ जी, अदरवाइज आपको जो है गिरनार के बाहर रहना पड़ेगा, वहाँ पे आपको 500-600 में बहुत बढ़िया रूम मिल जाएंगे। तो चलिए मैं अब आपको आगे बताऊँगा मंदिर एंड गिरनार दत्तात्रेय भगवान की ट्रैकिंग हम करेंगे। जय गिरनारी। तो दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ, मेरे पास जो है खास कोई सामान था नहीं, बस बेसिक सा सारा सामान है, बैग वगैरह पैक कर लिया है अपना। एंड चलिए अब चलते हैं गिरनार चढ़ने की तैयारी करने। गिरनार चढ़ेंगे पूरा एंड बाकी जो है यहाँ पे इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट सही में रूम लगा नहीं मुझे, बट सोने के लिए चाहिए था। मेरा प्लान यही था कि मैं जो है ऊपर ही गिरना रात में ही चढ़ जाऊँ, बट मुझे एक अंकल ने बताया कि रात में वहाँ पे जो है जानवर वगैरह का डर रहता है, इसलिए अवॉइड करो तो बेटर है, कल साथ की मर्जी ऐसा करके। और
यहीं पे मैंने पर्स रखा हुआ था एंड रूम ठीक है यहाँ पर, आपको नंबर भी डाल दूंगा यहाँ के, बट मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे ना आए, साफ सफाई वगैरह है नहीं, पर देख लीजिए आप, मतलब कि ये मैंने टोटल मजबूरी में रूम लिया हुआ था, बाकी रूम लेने का मेरे को कोई इंटेंशन था नहीं यहाँ पे। इस तरीका की जो है धर्मशाला थी, बाहर